नमस्कार बागवान भाइयों, मेरे YouTube चैनल हिमालयन एप्पल्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सिल्वर टिप से पिंक बट स्टेज तक कौन सी स्प्रे हम अपने ऑर्चर्ड में कर सकते हैं, इस विषय पर एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बागवानी और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव अगर आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। बागवान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर टिप स्टेज की। इस वक्त जो आप प्लांट देख पा रहे हैं ये अभी सिल्वर टिप स्टेज पर है, और सिल्वर टिप स्टेज पर जो बड्स हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। जब हमारे बर्ड्स कुछ इस प्रकार की दिखाई दे तो ये जो स्टेज होती है बागवान भाइयों, यही स्टेज जो है सिल्वर टिप स्टेज होती है। आप देख सकते हैं कि बर्ड्स जो है इसकी जो टिप है वो चांदी के कलर की दिखाई दे रही है। तो ये जो स्टेज है बागवान भाइयों, ये है सिल्वर टिप स्टेज। और इस स्टेज पर जो है हमें सल्फर का छिड़काव करना चाहिए, इससे जो है पाउडर मिल्ड्यू रोग को कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ ही साथ इससे माइट स्कैब और दूसरे फंगल डिजीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी जो मात्रा रहती है बागवान भाइयों, वो रहती है 600 ग्राम सल्फर को 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं ग्रीन टिप पर की जाने वाली स्प्रे की। इस वक्त जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जब हमारे पौधों के बड्स इस प्रकार के होते हैं तो ये ग्रीन टिप स्टेज होती है। जब पौधों की कलियां खिलना शुरू होती है तो उस समय कई तरह के इंसेक्ट्स और फंगस पनपने लगते हैं। उनकी रोकथाम के लिए हमें सही समय पर सही छिड़काव करके रोगों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। बागवान भाइयों, ग्रीन टिप पर कैप्टान या डोडीन या फिर जीरम, इन तीनों में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। कैप्टान 600 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव किया जाता है। इससे स्कैब, ब्लैक रॉट, ब्लैक पॉक्स, फ्लाई स्पैक को नियंत्रित किया जाता है। बागवान भाइयों, कैप्टान के साथ HMO, सल्फर और हाइड्रेटेड लाइम को मिक्स ना करें। अगर कैप्टान उपलब्ध ना हो तो डोडीन 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। डोडीन के छिड़काव से स्कैब, लीफ स्पॉट, ब्राउन रॉट जैसी बीमारी को नियंत्रित किया जाता है। इसके छिड़काव से पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू रोग को भी नियंत्रित किया जाता है। डोडीन के साथ किसी भी दूसरे कीटनाशक या फफूंदनाशक का प्रयोग ना करें। बागवान भाइयों, अगर कैप्टान या डोडीन उपलब्ध ना हो तो आप जीरम का उपयोग कर सकते हैं। जीरम को 600 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जीरम कैप्टान और डोडीन की तरह ही पौधों पर वर्क करता है। जीरम का उपयोग बीज और मिट्टी के उपचार के लिए भी किया जाता है। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं हाफ इंच ग्रीन स्टेज की। इस वक्त जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये जो बड्स हैं ये हाफ इंच ग्रीन स्टेज पर है, और ग्रीन टिप स्टेज के बाद जब आपके बड्स से जो है पत्तियां लगभग हाफ इंच तक बढ़ जाती है तो वो स्टेज जो है ग्रीन टिप स्टेज होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस स्टेज पर हमें HMO का छिड़काव 2% की मात्रा के साथ, मतलब 100 लीटर पानी में 2 लीटर और 200 लीटर पानी में 4 लीटर ऑयल डालकर छिड़काव करना चाहिए। इसे किसी फफूंदनाशक के साथ नहीं मिलाना चाहिए, और अगर आवश्यकता हो तो इसे जो है कीटनाशक के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। बागवान भाइयों, कीटनाशकों का अनावश्यक उपयोग ना करें, और अगर आवश्यकता हो तभी इसका उपयोग करें, कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें। बागवान भाइयों, अगर HMO का छिड़काव किसी दूसरे कीटनाशक के साथ किया जा रहा है तो अपने शरीर को अच्छे से ढक दें। HMO का छिड़काव करने से सेंजोस्केल और माइट को नियंत्रित किया जाता है। बागवान भाइयों, HMO का छिड़काव पूरे प्लांट में अच्छे से करें ताकि पूरे प्लांट में ऑयल की एक परत चढ़ जाए, क्योंकि HMO माइट और सेंजोस्केल को दम घोट कर नष्ट करता है, इसलिए इसका छिड़काव जो है अच्छे से करें। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं पिंक बट पर की जाने वाली स्प्रे की।
इस वक्त जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जब बर्ड्स जो है इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो ये स्टेज जो है पिंगपट स्टेज होती है। और इस स्टेज पर जो है चिलेटेड जिंक 100 ग्राम, बोरोन 200 से 250 ग्राम और यूरिया 1 से 1.5 किलो 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बागवान भाइयों, अगर पिंक बड स्टेज और फ्लावरिंग पर जो है बारिश होती है या मॉइस्चर रहता है, तो कोर रॉट बीमारी, जिसमें कि फलों का बीज सड़ जाता है, उससे बचने के लिए स्कोर या बेविस्टीन का छिड़काव करें। बागवान भाइयों, पिंक बड स्टेज पर अगर थ्रिप्स या एफिड की समस्या हो, तो क्लोरोपाइरीफॉस 400 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, या फिर थाया क्लोप्रिड 100 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बागवान भाइयों, पिंक पट स्टेज पर जिंक, बोरोन और यूरिया का छिड़काव करने से ये फ्रूट सेटिंग में किस तरह से मदद करता है और ये किस तरह से वर्क करता है, इस पर जो है मैं आप लोगों के लिए अलग से एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग चैनल पर बने रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बागवानी और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव अगर आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।